संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है? कोई कहेगा असत्य, कोई कहेगा छल, तो कोई कहेगा लालच। नहीं, संसार में सबसे बड़ा पाप है नारी का असम्मान, नारी का मान भंग करना। क्योंकि ये अपराध केवल नारी के शरीर को ही नहीं, उसके मन और उसके आत्मा पर भी प्रहार करती है। फिर प्रश्न ये उठते हैं कि जिसने भी ये अपराध किया है उसे दंड क्या दिया जाए? फिर कोई कहता है शारीरिक पीड़ा, कोई कहता है मृत्यु दंड। किंतु इस अपराध का दंड निश्चित करने से पूर्व क्या ये जानना महत्वपूर्ण नहीं है कि अपराधी है कौन? अब आप कहेंगे कि सरल सी बात है, वही पुरुष जिसने स्त्री का मान भंग किया। किंतु क्या ये पूर्णतः सत्य है? क्या स्वयं के अपमान के लिए, स्वयं के सम्मान को खोने के लिए कभी कभी नारी स्वयं उत्तरदायी नहीं हो सकती? सोच के देख, सम्मान खोने से बचने के लिए पहले सम्मान की सीमा पर दृष्टि रखना आवश्यक है। रावण सीता का हरण इसलिए कर पाया क्योंकि सीता ने भोलेपन के कारण रावण का उस सीमा को लांघना सरल कर दी। किंतु अशोक वाटिका में उसी सीता को रावण स्पर्श तक नहीं कर पाया क्योंकि उसने रावण और उसके मध्य में तिनके की एक छोटी सी दीवार बना दी थी। जीवन में ना कहना सीखे। यदि कोई आपके सम्मान की सीमा को पार करने का प्रयास करे तो उसे वही रोकना सीखे। आपके ऊपर उठे पहले हाथ को, पहले कटाक्ष को वही रोक देना सीखे। पर किसी पुरुष में साहस नहीं कि वो पुनः आपका अपमान करने का प्रयास भी कर सके, क्योंकि नारी जननी आराध्य है। तो स्वयं को निर्बल मानकर आप अपराधी ना बने। राधे राधे।